एक बारी टीचर्स बहनों की भत्थी पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में चल रही थी। उस समय मैं दिल्ली पांडव भवन में रहती थी। पांडव भवन का ये मेडिटेशन हॉल बहुत बड़ा नहीं है, 350 के आसपास ही आ सकते हैं। दीदी ने मुझे खड़ा किया और खड़ा करके सीधा सवाल पूछा कि तुम पांडव भवन में रहती हो, वहाँ 25 भाई बहन आप लोग रहते हो, कभी कोई बातें आपस में होती हैं और ज़रूर होती हैं, उस समय आप क्या करती हो? डिस्टर्ब होती हो? आपको फीलिंग आती है? मूड ऑफ होता है? क्या होता है? एक सेकंड तो सोचती रही, दीदी ने तो सीधा सीधा सवाल ऊपर डाल दिया है, तो दीदी की शक्ल देखती रही। फिर कहा, दीदी उस समय सोचती हूँ इसका ड्रामा में यही पॉइंट है, इसने बोल दिया तो क्या हुआ, कहाँ लगा मुझे, कहीं लगा तो नहीं, और अपने को समझाती हूँ कि ड्रामा में मुझे डायरेक्टर ने ये रोल दिया है, कोई कुछ भी कहे, कितना भी तुम्हारी ग्लानी करे, डिस्टर्ब करे, डिसरिगार्ड करे, तुमको हलचल में नहीं आना है। तो उस समय तो अपने को समझा लेती हूँ, परंतु दीदी थोड़ी देर के बाद फिर संकल्प चलता है, ये भी तो ज्ञानी तो आत्मा है, इसको समझ नहीं है क्या? तो दीदी कहती है, मुट्ठी फिर तुमने ड्रामा को और ज्ञान को समझा ही कहाँ है, ब्रेक तो लगी ही नहीं, फुल स्टॉप तो लगा नहीं, यहाँ ज्ञान है, यहाँ ड्रामा है। प्रैक्टिकल में ड्रामा की पॉइंट की धारणा हो तो तुरंत फुल स्टॉप और ब्रेक लगेगा और फिर असर नहीं आएगा। दूसरी बात कही डिस्टर्ब होने की, हलचल में आने की। ये परिवार है, परिवार में बातें तो आती हैं, ऐसा नहीं है नहीं आती। हम सब पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक दो की नेचर को जानते हैं, एक दो के स्वभाव को जानते हैं, और उनकी नेचर को समझते हुए मुझे अपने को मोल्ड करके चलना है। क्योंकि बाबा ने कहा है आपको मूर्ति बनना है, तो मुझे हथौड़े की छेनी की मार खानी ही होगी तभी मूर्ति बनूंगी। गेहूं को आटा बनने के लिए चक्की में पिसना ही पड़ेगा, अगर वो चक्की में पिसेगा नहीं तो आटा कैसे बनेगा? तो ये मुझे विघ्न नहीं डाल रहा, मुझे हलचल में नहीं ला रहा, लेकिन ये मेरे सामने पेपर बन करके मेरी स्थिति का मुझे महसूस करा रहा है कि कोई भी परिस्थिति में मैं कितने मार्क्स में पास हो सकती हूँ। तो उसको कहो शुक्रिया, थैंक यू, तुमने मेरी स्थिति की चेकिंग मुझसे कराई। तो जब पॉजिटिव दृष्टिकोण रखेंगे तो कोई भी ये बातें हलचल में नहीं लाएंगी। इसलिए बाबा हमको रोज कहते, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो, सिमिर सिमिर सुख पाओ, तो ये बातें मुझे दुखी नहीं करेंगी, अशांत नहीं करेंगी, डिस्टर्ब नहीं करेंगी, स्थिति को हलचल में नहीं लाने देंगी।